तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक 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 तरह का सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के अंदर ही, एक तरह का पदार्थ है जो हमारे बॉडी के अंदर ही बनता है, लीवर में, जो हमारे बॉडी के लिए अत्यधिक रूप से आवश्यक है। नॉर्मल फंक्शन हमारे बॉडी का रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ही आवश्यक चीज़ है। लेकिन दिक्कत कब आती है? जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है। वो हमको नॉर्मल रखना है, वो हाई ना जाए, इसके लिए हम लोग को अलग अलग एक्सरसाइजेज, अलग अलग तत्वाधान हम लोगों को अपनाना होगा। तो आप एक तरफ बोल रहे हैं कि ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि उसके लेवल्स हाई होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या उसके जो है लेवल्स होने चाहिए और इनसे क्या प्रॉब्लम हमें हो सकती है? देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजें भी की जाएं तो वो हानिकारक होती हैं। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के हर फंक्शन के लिए ज़रूरी है। हमारा स्किन, हमारे बॉडी का एक एक सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए वो हमारे लीवर में, हमारे बॉडी के अंदर ही बनता है। लेकिन ये जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा का कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी को हार्म पहुँचाता है, हमारे बॉडी में नुकसान करता है, कई बीमारियों को जन्म देता है। क्योंकि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जब उसकी मात्रा बढ़ती है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, तो उससे क्या होता है कि जो रक्त कोशिकाएं हैं हमारे शरीर के अंदर, उसमें अलग अलग जगह पे वो खुरदुरापन पैदा करती हैं, अगर सामान्य भाषा में बोला जाए। उस खुरदुरापन के चलते उसके ऊपर अलग अलग ब्लड सेल्स इकट्ठे होते हैं, और एक पाइप, जो एक हमारी कोशिकाएं होती हैं, वो एक नली होती हैं। नली में अगर किसी भी तरह की बाधा हो जाए तो ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ब्लड का प्रवाह, खून का प्रवाह हमारे शरीर में ढंग से नहीं हो पाता, जिसके जी कारण बहुत बड़े बड़े रोग हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक हम कॉमनली सुनते हैं, या किसी को लकवा मार देना जो कि ब्रेन का स्ट्रोक होता है। तो इस तरह की गंभीर बीमारियां एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को अगर नहीं कंट्रोल किया जाए तो वो उत्पन्न हो सकती है हमारे शरीर में। तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल चेक करने के लिए क्या टेस्ट होते हैं? कोलेस्ट्रॉल का लेवल, अब ऐसा नहीं है कि जब आपको कोई तकलीफ हो तभी आप जाते हैं। अब ये रूटीन, जो भी 30 साल से ऊपर के नौजवान हैं, वहाँ से हम, अब ये रूटीन टेस्ट में आता है कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं। अब इस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में बेसिकली ब्लड, ये एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है, ब्लड लिया जाता है, उससे आपके कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट लेवल्स चेक किए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल अलग अलग तरह के होते हैं। अब लिपिड प्रोफाइल में इस अलग अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखा जाता है, उनकी मात्रा देखी जाती है। अब अलग अलग कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो वो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, एलडीएल होता है, एचडीएल होता है, वीएलडीएल होता है। अब ये अलग अलग तरह के जो कोलेस्ट्रॉल हैं, इसमें कुछ अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कुछ बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो हम गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। जी अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एचडीएल होता है, तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को हमको ऊपर रखना चाहिए। जो बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो कि बीमारियां पैदा करते हैं, जो कि कोशिकाओं में बाधक बनते हैं, वो एलडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। तो हम जो है अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ऊपर और बुरे कोलेस्ट्रॉल को नीचे कैसे रखें? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि आप बीमारी होने का इंतजार ना करें, आप इस चीज का इंतजार ना करें कि हमारे ब्लड टेस्ट में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आएगा तभी आप इन चीजों को करेंगे। मैं हमेशा मानता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी किसी गलत चीज को होने से पहले ही आप उस पर रुकावट डालिए, आप उस चीज को रोकिए। अब इसके लिए हमारे जो नॉर्मल, एक एक नॉर्मल दिनचर्या में जो हम कर सकते हैं वो है अच्छे 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 फिजिकल एक्सरसाइजेस, जो जैसे मैदान में जाके खेलना होता था, शाम को दौड़ना होता था। ये चीजें आज के डेट में घटती जा रही हैं, आज की तारीख में नौजवान कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे गेम्स खेलते हैं। तो हम कोशिश करें कि लैपटॉप पे कंप्यूटर गेम नहीं खेल के हम जाके ग्राउंड में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें, थोड़े एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज अच्छे मात्रा में होने के कारण फिर आपका जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ेगा और बुरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटेगा। दूसरा चीज़ है हमारे खान पान पर हमको ध्यान देना चाहिए। अब खान पान में जैसे हमारे भारतीय समुदाय में आप देखेंगे तो किचन में घी, बटर, इन चीज़ों का प्रचुर मात्रा में उपयोग होता है। उन चीज़ों को हमें कम करना होगा। अगर आपको तेल ही यूज़ करना है
तो कुछ कोलेस्ट्रॉल फ्री तेल होते हैं जैसे ऑलिव ऑयल, आप उसका उपयोग कर सकते हैं खाना बनाने में। कुछ अच्छे फूड होते हैं जैसे नट्स हो गए, जो वॉलनट्स बोलते हैं, ओट्स बोलते हैं, आप उन चीज़ों का सेवन करें। हरी सब्जियां हो गई, आप उन चीज़ों का सेवन करें। और कुछ जो फूड जो हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है, वो चीज़ें हैं। आज के डेट में आप देखते होंगे बच्चे या यंग अडल्ट, अब बूढ़े भी, जो जंक फूड की तरफ, पिज्ज़ा, बर्गर, इन सब जो चीज़ों की फास्ट फूड तरफ, जो खाते हैं। फास्ट फूड या जंक फूड, जी तो उन चीज़ों पे, नूडल्स, तो हम उन चीज़ों का उपयोग कम से कम करें। कभी कभार खाने में कोई हानि नहीं है, बट जो प्रतिदिन सेवन होता है, रेगुलर सेवन होता है, उस चीज़ को हमको कम करना होगा। और भी जो नॉर्मल दिनचर्या में हम खाते हैं, जैसे अंडा, अंडा का जो योक होता है, आप उस चीज़ का उपयोग ना करें, उससे बहुत ही हानिकारक कोलेस्ट्रॉल काफ़ी अधिक मात्रा में अच्छा, बढ़ती तो है। आप बोल रहे हैं कि जो अंडे का जो पीला भाग है वो हम ना खाएं, वो कम से कम खाएं। जी जी बिल्कुल। और भी जैसे रेड मीट है, रेड मीट का भी आप खाने में कम से कम उपयोग करें, तो वो भी आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।